मुस्लिम भाई, अल्लाह ताला ने मुस्लिम भाई मुझे एक बात बताओ, ये अपना क्या कहते हैं, कुरान में एक आयत है जो बोलती है कि हमने इंसान को बनाया उछलते हुए पानी से, जो निकलता है रीढ़ की हड्डी और सीने की हड्डी के बीच में से। क्या ये बात सही है? नहीं देखिए, वो मैंने इतना तो नहीं पढ़ा हुआ कि मैं वो साइंस हो, क्या नाम है वो, मतलब कह लेंगे डॉक्टर नहीं ना हूँ मैं, इस चीज पे कमेंट नहीं कर सकता। इसमें डॉक्टर होने की बात ही नहीं है, मर्द तो हो ना या मर्द भी नहीं हो, मर्द तो हो ना है भाई। नहीं वो, अब मुझे ये चीज है ना कि रीढ़ की हड्डी से निकलता है, कहाँ से निकलता है ये नहीं मुझे पता ना, ये तो मेरे साइंस प्यारे साइंस भाई का। मुसलमान, मेरे मोमिन भाई, आप मर्द हो तो आपको इतना तो पता ही होगा कि वो पानी कहाँ से आता है। वो बनता कहाँ पे ये तो नहीं ना पता किसी को, बनता नहीं कैसे पता है, है ये भाई, बनता टट्टों में कैसे। बनता है यार, ये क्या बात कर रहे हो, आपको ये नहीं पता? व्हाट आर यू सेइंग यार, मतलब इतना कोई इस्लाम इसमें तुम्हें इतना डरने की क्या बात है भाई, सीधा सीधा बोल दो ना यार, ये क्या कि मुझे पता नहीं है, ये नहीं पता वो नहीं पता। ये तो बच्चे बच्चे को पाकिस्तान की गलियों में भाई, किसी भी 15 साल, नहीं 15 साल क्या, 5 6 साल के बच्चे को बोलो भाई ये कहाँ पे बनता है, तुम्हें 2 मिनट में जवाब देगा, 2 मिनट लगेंगे उसको, तुम कह रहे हो कि पता नहीं है। वाह भाई वाह, क्या और बात। दूसरी बात है कि आप जो चेहरा दिखा रहे हैं ना, अल्लाह ताला है नूर समावाती वाला, ठीक है, अल्लाह ताला नूर है, अरे और नहीं, वो कहते चेहरे को हैं छोड़ दीजिए, वो अल्लाह अल्लाह के चेहरे पे बाद में चलेंगे। मुझे बताइए, पानी तो, अगर वो पानी नीचे से बनता है मेरे भाई, तो आपका कुरान क्यों बोल रहा है कि वो तो रीढ़ की हड्डी और सीने की हड्डी के बीच में से निकलता है पानी। नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे लाइट होती है ना, फोटोन्स होते हैं, फोटोन्स फॉरएवर अरे लिविंग लाइट होते तो हैं, छोड़िए ना, क्या अभी उधर लाइट पे बाद में चलेंगे, मुझे अल्लाह पानी का ताला एवर बताइए, लिविंग है, पानी। अल्लाह ताला का एक नाम है अलहई, उसका मतलब होता है एवर लिविंग, अरे तो अल्लाह ताला ओ एवर भाई लिविंग है। वो, अरे लाइट को और बाद में जाए, पाकिस्तान में लाइट आती कहाँ पे? आप लोगों के पास तो लोड शेडिंग सारा दिन चलती रहती है, लाइट को बाद में देखेंगे, पहले ये बताओ कि वो जो स्पर्म है, जो सीमेन है, वो कहाँ से आता है, ये रीढ़ की हड्डी और सीने की हड्डी बीच में कहाँ से निकलता है, ये तो बताओ। नहीं, अब उसके दरमियान काफी ऑर्गन्स आए थे ना, रीढ़ की हड्डी और सीने की हड्डी, अब वो हाँ अब बिल्कुल, रिब्स तो बहुत देंगे, सारे ऑर्गन आ जाते हैं, आई एग्री विथ यू, पैर आई एग्री विथ यू माई ब्रदर, बहुत सारे ऑर्गन आ जाते हैं, लेकिन टट्टे तो नहीं आते। भी आए थे हैं। आप 2D में देख पैर लेना, 3D में देखे ना, 3D देखें, एक आप इंसान का आगे आगे वाला पोर्शन देखें, एक बैग देखें, तो सारा इंसान दरमियान में आया था, उसके मतलब तो मैं हेड तो भी कह रहा उसके हूं ना, अरे बीच में बहुत ऑर्गन्स आ जाते हैं भाई, फेफड़े आ सारे जाते आए हैं, स्टमक आ थे। जाता है, इंटेस्टाइन आ जाती है, किडनी आ जाती है, गॉल ब्लैडर आ जाता है, आई एग्री विथ यू, बट टट्टे नहीं आते, ये पता है मुझे। पैर भी आपके आए टट्टे थे, आते हैं सारा भी? कुछ आया था, सारा कुछ आया आपके था, टट्टे बीच में आते हैं या नहीं आते, ये बताओ। सारे में सारे ऑर्गन्स आए थे, इसके दरमियान सारे आपके आए टट्टे थे। बीच, मतलब यू आर सेइंग कि आपके टेस्टिस जो हैं वो रीढ़ की हड्डी और चेस्ट बोन के बीच में आ जाते हैं, ऐसा है? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल आए थे। अरे वेरी गुड, क्या बात है मेरे भाई की। भाई तालियां बजाओ, तालियां बजाओ, भाई के टट्टे ऊपर तक चढ़े हुए हैं यार। क्या है भाई भाई, क्या है तुम्हें? यार, इस्लाम को बचाने के लिए तुम इतना नीचे क्यों गिर रहे हो इस्लामिक यार, थोड़ा एनाटॉमी, सा तो शर्म करो यार, थोड़ा सा शर्म करो। इस्लामिक एनाटॉमी, इस्लामिक सुन्नत एनाटॉमी, सना, हाँ सुन्नत एनाटॉमी। भाई देखो, कोई जरूरत नहीं है मुसलमान भाई, मोमिन भाई, इस्लाम को सही साबित करने के लिए इतना नीचे गिरने की, इतना इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट क्यों हो भाई? यू नहीं नो देखिए, दिस एंड आई नो आप दिस ब्रदर, यू एक नो इट बात वेरी बता दो कि क्लियरली। बाय देखो डिजाइन ही मेरी सारा बात बना सुनो, हुआ मेरे ना, बात और बाय सुनो, डिजाइन सुनिए है। मेरे भाई, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। कोई भी दुनिया के एनाटॉमी की किताब लेके आ जाओ, कोई भी कैडेवर को डायसेक्ट कर लो, देर इज लिटरली नो वे कि टेस्टीज या स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है, वो कहीं से भी वो ऊपर तक जाती हो, पॉसिबल ही नहीं है। तुम कह रहे हो कि और तुम्हारा ऊपर से आता है, भाई वाह क्या बात है मैं यार। साबित कर दूं कुरान, फिर आप आ जाएंगे, मतलब अगर आपको मैं साइंटिफिकली गलत साबित कर दूं। आप मुझे साइंटिफिकली ये साबित कर दें कि वो जो पानी है वो रीढ़ की हड्डी और छाती की हड्डी के बीच से निकलता है, मैं अभी इस्लाम कबूल कर लूंगा। चलो नहीं, और किसी चलो, साइंटिफिक आपको मैं उससे कायल कर लूं, और कोई साइंटिफिक एविडेंस दे दूं आपको। अच्छा मतलब ये नहीं, किसी, आप कह रहे हो किसी और पे बात करनी है, ऐसा है? हाँ जी, एक टॉपिक दूंगा, उसी पे आप ढेर हो जाएंगे। वाह 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 वाह, मतलब आप मानते हो कि इसके ऊपर आप बात नहीं कर सकते? नहीं तो आप भी करें ना, अगर आप कहते हैं कि मैं हर अरे चीज को डिपेंड कर सकता हूँ, तो एक फिर आप भी कोई करें ना, फिर एक टॉपिक फिर मैं आपको दिखाता हूँ। चले चले लाइक चले चले चले, बताएं कौन सा टॉपिक है, बोलिए।
क्या साइंटिफिक आपने डिस्कवरी किया आपके कुरान में से जो आप कहते हैं कि वाह क्या बात है, ये तो पक्का अल्लाह की तरफ से आया है? चले बताएं। बोलो बोलो, हम भी है, देखो हमारे साथ एक और एक भी है, मैं भी हूँ, देसी भाई भी है। चलो आज तो प्रूफ कर दो इस्लाम को साइंटिफिक भाई। हम लोग तमन्ना कर रहे हैं ये बात कब से की, देसी भाई कोई आया इस्लाम को साबित करने? करो भाई करो भाई साहब, ये कह रहे हैं कि भाई ये एक ऐसी एक इन्होंने इनका क्लेम क्या था, एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, इनका क्लेम ये था कि ये एक ऐसा साइंटिफिक क्लेम कुरान से दिखा देंगे, साइंटिफिक डिस्कवरी दिखा देंगे या साइंटिफिक फैक्ट दिखा देंगे, इसके बाद मैं ढेर हो जाऊंगा और मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, राइट? ऐसा ही है ना? हाँ ऐसे ही बोल रहे थे वो। है या ना करते वो आपकी मर्जी है, लेकिन वो साइंटिफिकली प्रूवन है, मतलब है ना। हाँ मैं ढेर हो जाऊंगा, मैं ढेर हो जाऊंगा, ये तो आपने कहा था ना, ये तो कहा था या नहीं कहा था? कर सकते, गलत नहीं साबित कर सकते, मैं ये कह रहा हूँ। चले मैं ढेर हो जाऊंगा, आप दिखाइए बताइए कौन सा है, बोलिए बोलिए। अजी मैं प्राइवेट चैट में आपसे नासा का आर्टिकल शेयर किया, ये जरा आप स्क्रीन पे ले आए। नासा का आर्टिकल? ओ भाई कुरान से कोई आयत बताओ ना, नासा का आर्टिकल कहां से आ गया बीच में? नहीं तो नासा की बात मैं साबित करूंगा ना, कुरान से साबित करूंगा, ये नासा जो कह रहा है बिल्कुल कुरान में पहले ही बताया हुआ है चीज, ये मैं साबित करूंगा ना नासा ये चीज। हाँ, भाई अगर साबित कर रहे तो जरा जल्दी करो, जल्दी करो, अच्छा रहता, जल्दी आ जाते कोई। अच्छा नासा का आर्टिकल, हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ, मैं दिखा देता हूँ। ओके वेट अ सेकंड, ओके मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि दूसरे लोग भी देख पाए, ठीक है? हाँ, दो मिनट रुकिए। तो भाइयों इन्होंने नासा का आर्टिकल शेयर किया है, ठीक है, science.nasa.gov। इस पे लिखा है कि मेरा स्क्रीन आ रहा है, शेयर किया आपने? नहीं अभी शेयर नहीं किया आपने, फातिमा मैंने शेयर कर दीजिए। नहीं नहीं अभी नहीं आया, शेयर नहीं करे वो, जब तक आप शेयर करे तक हम एक कोई अरे नहीं मैंने शेयर कर दिया, रहमान आजम है। नहीं नहीं करे, अच्छा एक मिनट चेक करेंगे। भाई वो लिंक है, लिंक लिंक नहीं, आप ऐसा कुछ फातिमा, अच्छा आपका है, हाँ स्क्रीन लेके है ना। मेरे स्क्रीन को शेयर कर दीजिए, इनकी इनकी लिंक मैंने ऑलरेडी ओपन कर ली है। क्या हुआ? हाँ आ गया ना, हाँ स्क्रीन पे, स्क्रीन पे। हाँ जी ये आपने आर्टिकल अभी शेयर किया था, व्हाट इज द हैबिटेबल जोन और गोल्डीलॉक्स जोन। The habitable zone is the area around a star where it is not too hot. या भाई हमें पता है, आगे बताओ क्या है? हाँ जी इसमें आप जो है ना इसमें लिखा है the distance Earth orbits the Sun is just right for water to remain a liquid. This distance from the Sun is called the habitable zone or Goldilocks zone. Rocky exoplanets found in the habitable zones of their stars are more likely targets for detecting liquid water on their surface. Why is liquid water so important? Life on Earth started in water, and water is a necessary ingredient for life as we know it. अच्छा इसमें आप देखें, बच्चे बच्चे को बताएं, आगे बताओ। हाँ जी अब liquid water है ना, इसमें बताया हुआ कि इसकी वजह से यहाँ पे Earth पे life है, ठीक है? और Earth जो है ना उसका distance जो orbit है ना elliptical orbit जिसे हम कहते हैं, वो बिल्कुल कह लें कि अल्लाह ताला ने बिल्कुल ऐसे बनाया कि वो कह लें कि अगर उससे थोड़ा सा भी आगे पीछे हो जाए ना तो ये जो अर्थ का जो है ना ये जितने समंदर है ये बर्फ बन जाएंगे और अर्थ पे जो है ना लाइफ खत्म हो जाएगी। और ये आप कुरान की आप खोल लें 2:22 सूरह बकरा में से, सूरह बकरा हलो, की खोलें आप। हेलो 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 रुको 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 उधर चलते हैं पहले, एक मिनट रुको, ये देखो क्या लिखा है, अंग्रेजी आती है ना आपको? हाँ जी आती है। ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है पढ़ना थोड़ा यहाँ से, रॉकी एक्सोप्लैनेट से पढ़ो। Rocky exoplanets found in the habitable zones of their stars are more likely targets for detecting liquid water on their surface. On their surfaces, okay. Now, what does that mean? इससे क्या पता चलता है आपको? मतलब जो exoplanets आप कहेंगे इसके अलावा भी और भी हैं planets जहाँ पे आपने कहा liquid water होता है, लेकिन रुको 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 अबे रुको 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 सुनिए मेरे बात सुनिए। Sun होता है, सन के इर्द गिर्द जो है प्लैनेट्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, अपने ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं।
ये जो बात हो रही है गोल्डिलॉक्स जोन की, ये उस जोन की बात हो रही है कि जो इतना ज्यादा करीब भी ना हो और जो इतना ज्यादा दूर भी ना हो, मतलब कि हैबिटेबल जोन। और ये हैबिटेबल जोन एग्जैक्ट नहीं होता है ये, मैं आपको अभी एक पिक्चर भी दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कितना होता है। और ये हैबिटेबल जोन कोई ऐसा नहीं है कि दुनिया में, बल्कि पूरी यूनिवर्स में एक ही है, हजारों लाखों करोड़ों ऐसे जोन्स हैं, करोड़ों ऐसे नहीं, जोन्स हैं। 16 डिस्कवर हुए हैं, सिर्फ 15 या 16 है ये प्लैनेट्स हैं। डिस्कवर होने से मतलब मुराद ये नहीं होती है कि वो हैं इतने, हजारों करोड़ है यूनिवर्स की एक्सपेंशन। तुम्हें कुछ पता भी है कितनी है यूनिवर्स, कितनी बड़ी है, तुम्हें आइडिया है? हम लोगों ने अभी तक क्या देखा है? नहीं देखा है। हाँ जी, अभी तक कुछ डिस्कवरी हुई नहीं ना पूरी यूनिवर्स की, जो एक्सपैंड हो रही है और स्पीड ऑफ हम लाइट पे हो रही है। लोगों को सुनो, अभी हमें एक रिसेंटली एक नया स्टार मिला था ना, ये अपना नया प्लेनेट मिला था, केपलर 271b आई गेस उसका नाम था, शायद केपलर 2172b। हाँ जी, तो उसके अंदर क्या था? वो बिल्कुल गोल्डिलॉक्स जोन के अंदर ही है, वो लेकिन बिल्कुल सही है। उसका ना वहां पे हवा नहीं है, यहाँ सांस नहीं ले सकते, जैसे आप कह रहे थे ऐसे, यहाँ तो पे इसलिए ना सांस। मार्स, मार्स के अंदर भी इस वक्त अनहैबिटेबल कंडीशंस हैं, लेकिन हम उनको हैबिटेबल बना सकते हैं विथ ह्यूमन इंटरवेंशन, हम कर सकते हैं। डू यू नो दैट? पता है ना या नहीं पता है? हेलो, नहीं, लेकिन वो तो आर्टिफिशियल है ना, कुरान में है कि ना हैबिटेबल जो अबे बनाया वो सिर्फ आर्टिफिशियल बनाया है, भाई, नेचुरली नेचुरली आर्टिफिशियल नहीं। की बात है। अगर मार, सुनिए मेरी बात सुनिए, आर्टिफिशियल कुछ नहीं है। हम लोगों ने अगर वहां पे जाके, जो एनवायरनमेंट अभी इस वक्त है वो अनहैबिटेबल है, हम लोगों ने वहां पे अगर कुछ चीजें की तो वो हैबिटेबल बन जाएगा, और बन जाएगा तो बन जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें अल्लाह का क्या लेना देना है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि नेचुरली ये बात कर रहा हूँ, नेचुरली जो है ना वो सिर्फ ये नेचुरली अर्थ ही कुछ है, नहीं होता आर्टिफिशियल तो आप भाई। मून ओ को भी भाई आर्ट। नेचुरली कहां से आ गया? तुम्हें क्या लगता है भाई? पॉसिबिलिटी तो ये भी है ना कि ये जो हम आज की दुनिया देखते हैं, एलियंस ने आके यहाँ पे गड़बड़ी की हो तभी ये पॉसिबल हुआ हो। इट्स अ पॉसिबिलिटी, राइट? 100% तो इसमें गारंटी तो है नहीं। तो नेचुरली होना ना होना ये अपने आप में, क्योंकि हमें इतना जरूर पता है कि अर्थ, जो आज का अर्थ है, इसको यहां तक पहुंचने में कई हजार करोड़ों साल लगे हैं। अलग अलग केमिकल रिएक्शंस हुए हैं, पहले गर्म थी फिर ठंडी हुई, फिर एस्टीरॉयड्स आए हैं, एस्टीरोस के गिरने से हमारे पानी आया, एक्सप्लाइट, ये एक पूरे इवेंट्स हुए हैं भाई। नेचुरल का क्या मतलब होता है? नेचुरली पॉसिबल नहीं है, नेचुरल नहीं हो सकता। क्या बात कर रहे हो यार? नहीं देखिए, मैं कुरान की 2 की 22 की बात कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला कह रहा है कि हमने अर्थ को हैबिटेबल बनाया है, प्लेस ऑफ सेटलमेंट बनाया है ह्यूमन बींग्स के लिए। यहाँ पे हमने वाटर साइकिल कायम किया है, बारिशों का निजाम कायम किया ताकि नबातात यहाँ पे उग तो सके, भाई यहाँ इसका गोल्डी लॉक जोन से क्या लेना देना भाई? हैबिटेबल जोन से क्या लेना देना? तो ये हैबिटेबल का मतलब ये है कि एटमोसफेयर भी होना चाहिए वहां पे सांस लेने की, मतलब और नेचुरली तुम्हारे हम सांस कुरान में ना लेते हैं। हैबिटेबल जोन है, सुनो ना, तुम्हारे कुरान में हैबिटेबल जोन है ना एटमॉस्फेयर है। कुरान में बस इतना बिल्कुल है है, कि हम लोगों ने दुनिया को बनाया है इंसानों को रहने के लिए, ठीक है? इट डजंट टू प्रूव की ट्वेंटी टू एनीथिंग। तो बोला उसने, लिखा हुआ प्लेस ऑफ सेटलमेंट लिखा हुआ। प्लेस ऑफ सेटलमेंट क्या होता है भाई? नहीं, प्लेस ऑफ सेटलमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे बारिशों का निजाम कायम किया है, यहाँ पे ग्रेजिंग के लिए, कैटल की ग्रेजिंग का हमने के लिए नबातात उगाए हैं, ठीक है, यहाँ पे सब्जियां उगाने के लिए हमने सारा कुछ लिखा हुआ है इसमें, इसी का है इसमें। 2 की 22 खोलें उसकी, आप सर वॉटर मैं साइकिल आप की। दिखा देता हूँ अभी आपके 2 के 22 में, आप ढेर खुद ही हो जाओगे। आ गया 2 के 22 नजर आ रही है आपको? यही है ना, हाँ जी, यही है। हाँ, ही इज द वन हु हैज मेड द अर्थ अ प्लेस ऑफ सेटलमेंट फॉर यू। प्लेस ऑफ सेटलमेंट उसको कहते हैं जहां पे आप सेटल हो सको, ठीक है, आप वहां पे रह सको, ऐसा ही है ना। हाँ जी, तो इसमें सांस का भी जरूरी है, पानी का भी जरूरी है, ठीक है, बाकी जो आप यहाँ पे हम कह रहे हैं कि तमाम चीजें कर सके, सांस, जितनी भी फैसिलिटीज होनी चाहिए यहाँ पे। रुकिए 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 सर, रुकिए, आगे बढ़िए थोड़ा। ये थोड़ा बड़ा कर दें, नजर नहीं आ रहा, एक मिनट, वो फुल स्क्रीन। अब सही है, हाँ जी, आगे बढ़िएगा। हाँ जी, ही इज द वन हु हैज मेड अ प्लेस ऑफ सेटलमेंट फॉर यू एंड स्काई ए कनोपी एंड सेंड्स ठीक डाउन है। रेन फ्रॉम द स्काई अरे फॉर ये यू रुको 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 एंड रुको फॉर रुको यू। मेरे भाई रुको, हाँ जी, तो स्काई कैनेपी का क्या मतलब ड्यू होता टू है? द एक मिनट, फैक्ट स्काई कैनेपी का क्या मतलब होता है? रुको 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 भाई, स्काई कैनेपी का मतलब बताइएगा। मतलब एक कह लेंगे डोम या छत टाइप चीज बनाई है ना अल्लाह ताला ने स्काई, ओजोन छत छत बनाया है हमने, आसमान को छत बनाया है। है ना रुको ना, यहाँ तो भाई रुकिए, मैं पढ़ लेता हूँ ना, आप ही ने तो आयत दिया, पढ़ने तो दो।
मैं उर्दू में पढ़ लेता हूँ, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना, ओके, जमीन को बिछोना बनाया और आसमान को छत बनाया और आसमान से मीना बरसा के तुम्हारे खाने के लिए अनवा और इकसाम के मेवे पैदा किए, बस किसी को खुदा का हमसर ना बनाओ और तुम जानते तो हो। बस मेरे भाई यहाँ पे सेटलमेंट वेटलमेंट कुछ नहीं है, वो इंग्लिश में इन्होंने डाला हुआ है डॉक्टर मुस्तफा खताब ने। एक्चुअली में यहाँ पे जो लिखा हुआ है अल्लज़ी जअला लकुमुल अर्ध फिराशं व समाअ बिनाअन, क्या मतलब है? जअला लकुमुल अर्ध फिराशन, फर्श बनाया, जमीन को हमने फर्श बनाया, बिछोना बनाया, काय का प्लेस ऑफ सेटलमेंट, घंटे का प्लेस ऑफ सेटलमेंट, फर्श बनाया मतलब कि फैला दिया, फर्श बना दिया, फ्लोर कर दिया। रुको, अरे रुको, मैं दूसरी ट्रांसलेशन सुनो, मैं 10 ट्रांसलेशन और दिखा दूंगा तुम्हें, वो मसला नहीं है। अल अर्थ बोलते हैं जमीन को, फिराशन फिराश मतलब कि फ्लैटेंड कर दिया उसको, उसको सीधा कर दिया, ठीक है, कोई चीज उबड़ खाबड़ होती है ना तो उसको फ्लैटन करने को फिराशन बोलते हैं, फ्लैट आउट कर दिया। फिराशौ वस्समा बिनाअन, वस्समा मतलब के आसमान को बिना बना दिया, मतलब के छत बना दिया। अब हम लोग जानते हैं कि आसमान छत नहीं होती है बेटा, और तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, और ये कोई आसमान, ये मत बोलना है कोई यूनिवर्स, एक मिनट, ओजोन लेयर की बात हो रही है, ओजोन लेयर, अच्छा ये जो बारिश होती है वो ओजोन लेयर से होती है? नहीं, इसमें लिखा हुआ है एंड द स्काई अ कैनोपी एंड सेंड्स डाउन रेन फ्रॉम द स्काई। नहीं छोड़ दो अंग्रेजी को, मैं अरबी पे बात कर रहा हूं अभी तुमसे, मुझे ये बताओ कि अकॉर्डिंग टू यू वो ओजोन लेयर की बात हो रही है, ओजोन लेयर को छत बना दिया गया है, ओके, क्या बारिश भी ओजोन लेयर से होती है, यस और नो? नहीं देखिए, स्काई जो है ना वो जमीन से शुरू होके ना जितने ऊपर जाए वो स्काई ही है सारी, जितना तो वो स्काई में, मुझे नहीं पता कौन क्या है, आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू कि क्या ओजोन लेयर से बारिश होती है या नहीं? नहीं, ओजोन लेयर तो कह रहे ना हमारे प्रोटेक्टिव शील्डिंग है ना हमारे ऊपर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। रुक जाओ, मजे की बात देखो भाइयों और दोस्तों और बहनों जो भी देख रहे हो, यहाँ पे कुरान में वर्ड आया वस्समा, वस्समा बिना औ अंदर, के हमने आसमान को छत बनाया, आगे बोलता है व अंजला मिनस समाई माअन, मुझे तुम्हारे अंग्रेजी की जरूरत नहीं है, मुझे अरबी इतनी तो आती है भाई, व अंजला और उतारा गया मिनस समाई आसमान से नीचे, माअन, मान बोलते हैं पानी को, माँ बोलते हैं पानी को। अब मुझे ये बताओ अगर तुम्हारे हिसाब से समा का मतलब, ये जो वर्ड है समा, इसका मतलब ओजोन लेयर है, तो मेरे भाई ये ओजोन लेयर से भी पानी क्यों आ रहा है? माअन, ओजोन लेयर से पानी, ओजोन लेयर ना होती तो वाटर साइकिल होना नहीं था, मतलब अब बादल भी नहीं बनने थे, ठीक है, बारिश भी नहीं होनी थी, तो सारे इंटरकनेक्ट है। ओ भाई साहब यार, प्लीज गेट अ साइंस यार, थोड़ा साइंस पढ़ लिया कर भाई मेरे, खुदा के बंदे थोड़ा साइंस बंदे, तुम्हें पता भी ओजोन लेयर क्या होती है? पता है ओजोन क्या होता है? व्हाट इज ओजोन, टेल मी, बताओ थोड़ा। हाँ जी, एक प्रोटेक्टिव लेयर O3 की ना हमारे ऊपर बनाई हुई है, ताकि जो सन की रेडिएशन है ना हमारे ऊपर जमीन तक ना आए। जो किसने बनाई है, किसने बनाई है थोड़ा बताना? अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला ने बनाई है, वेरी गुड। अगर अल्लाह ताला ने प्रोटेक्टिव लेयर बनाई है तो हम इंसान जो है कुछ पिछले 10-15 साल से जो है ओजोन जो ऊपर बना रहे हैं, जो उसको वापस बना रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, वो कौन कर रहा है फिर? वो भी अल्लाह कर रहा है? नहीं, वो रिपेयर हो ही नहीं रही, वो मतलब वो है ना कि उसकी वजह से। वेरी गुड वेरी गुड भाई, जा यार, टाइम वेस्ट मत करो, थोड़ा पढ़ लिख लिया करो भाई, जाओ जा भाई जा, तेरे को नींद आ रही है, असल में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, सुराहा सुराहा नहीं पता चल रहा। अंग्रेजी की ट्रांसलेशन पे मत चला कर मेरे भाई, डॉक्टर मुस्तफा खताब, ये 21वीं सदी के डॉक्टर जो है ना, हरामी कहीं के पिल्ले कुत्ते, ये गलत ट्रांसलेशन लेके तुम लोगों को बिगाड़ रहे हैं, तुम्हें अंधेर नगरी में धोक रहे हैं। ये कुरान की अरबी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, थोड़ी सी अरबी अगर समझ दो ना, वह समा का मतलब है, अलग का मतलब है, फिराशा का मतलब है, यू नो दैट, सुनिए, फअखरजा फीही मिन समारति रिस्कन, पूरे पूरे कुरान के अंदर चैलेंज है बेटा तुम्हें, ओजोन नाम की कोई चीज, ओजोन जैसी कोई चीज कुरान में है ही नहीं। कुरान में बेसिकली दो एंटिटीज दी गई हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ, कुरान में नंबर वन एंटिटी है अल अर्ध मतलब के जमीन, दूसरी एंटिटी अस्समा मतलब के आसमान, और इसी आसमान और जमीन के ऊपर अल्लाह बात करता है ना, अल्लाह बताता है कि आसमान के कितने टाइप्स हैं, आसमान क्या है क्या नहीं है, इस आसमान, क्योंकि हमें आज की साइंस तो बता दी आसमान सिर्फ कहने की चीज है,
ऊपर आसमान कुछ नहीं होता, लेकिन तुम्हारा कुरान बोलता है कि अल्लाह ने आसमान को बनाया एक छत की तरह, तो छत छत तो भाई एक फिजिकल थी, वो भी मजबूत। हमारे देसी भाई आसमान को बनाया छत की तरह, वो भी बहुत मजबूत, तो ओजन लेयर में तो सुराख है। एग्जैक्टली नहीं, आसमान होता ही नहीं है फातिमा बहन, लोगों को जो लगता है ना आसमान, वो बेसिकली लाइट की रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है, सूरज के जो लाइट आती है, लाइट जमीन पे पड़ के जो रिफ्लेक्ट होती है, वो वापस जाने के वक्त जो जो रिफ्लेक्शन जो वहां पे रुक जाती है, वो इसीलिए हमें इस तरीके का लगता है कि वो ब्लू कलर का कोई आसमान है, बेसिकली कोई देसी भाई है? देसी भाई, ये मुस्लिम भाई के हिसाब से, इनके कुरान के हिसाब से भी इन्हों जैसा ओजन लेयर बता रहे हैं आसमान। तुम्हारा अल्लाह तो मजबूत आसमान का दावा कर रहा भाई, बहुत मजबूत है कहते। ये मुस्लिम भाई से मेरा एक सवाल है जी, हमारे कौन बात कर रहे हैं आप जी? आजम रहमान आजम जी, आप एक्स मुस्लिम हैं जी? जी जी हाँ जी, ऐसा है जी, एक्स मुस्लिम हूँ, और साहिल साहब और एडम साहब, एडम सीकर साहब से मेरी बात होती रहती है, तो मैंने स्पेशली मैंने ये मौका देखा था, मैंने कहा कि चलो आज स्पेशली टाइम निकाल थोड़ा सा इनसे बात करने के लिए, कुछ पॉइंट्स थे मेरे जहन में, तो अभी ये बात चल रही है तो फिलहाल इस पे करते हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जब आप कहेंगे मैं रुक जाऊँगा, ठीक। अच्छा क्या नाम है इनका, ये जो साहब आए हैं इनका नाम मुस्लिम भाई? मुस्लिम भाई, अच्छा मुस्लिम भाई मुझे एक बात बताइएगा कि आपके हिसाब से समा जो है वो है ओजोन लेयर, ये राइट? जी जी मुस्लिम भाई जी जी, आप कहते हैं समा जो है वो है ओजोन लेयर, राइट? ओजोन लेयर से ऊपर कुछ है? ओजोन लेयर से ऊपर सारा आसमान ही है ना, आसमान जो है वो मतलब कह रहे हैं जमीन है, आसमान है, दो ही चीजें हैं कुरान में, ऊपर सारा आसमान ही है, तो मतलब इसका मतलब ओजोन लेयर नहीं है, दो ही चीजें हैं जमीन और आसमान, और ओजोन लेयर नहीं है, ये आप कह रहे हैं? नहीं, आसमान में हर चीज आ जाती है ना, ओजोन लेयर भी आ जाती है, ठीक है, ऊपर जितनी चीजें आसमान में आती हैं, मतलब इसका मतलब है कि जमीन से 5 फुट ऊपर जो हवा चल रही है वो भी आसमान है, ये कह रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, इसका मतलब ये कहने का मतलब ये है कि आप जब जो है वो कभी सुबह में एक्सरसाइज करते हैं जब, और जो है वो जिसको कहते हैं जंप जंप लगाते हैं थोड़ी, तो जब आप जो है वो जमीन से आसमान पहुंच जाते हैं, ठीक, ऐसे ही है? हाँ जी, सारे आसमान ही है ना, जो जो भी मतलब कह रहे हैं जमीन है, जमीन के अलावा आसमान है, दो ही चीजें हैं बस। आप फिर मुझे ये बता दीजिए, बस एक ये सवाल एक मेरा हो है इसके ऊपर, हुज्जत जो मैं कायम करना चाह रहा हूँ वो ये है, आप मुझे बताइए कि सब आसमावाती का लफ्ज का जो इस्तेमाल हुआ इसका क्या मतलब है? नहीं, जैसे सात आसमान कहते हैं ना, कि कहते हैं कि जो कितने आसमान, नहीं अल्लाह ने कितने आसमान बनाए, एक बनाया है देखिए मैं आपको बताता हूँ ना कि जो पहला आसमान है ना वो कह रहे हैं कि जहाँ पे सितारे और गैलेक्सीज खत्म होते हैं ना वहाँ तक कहते हैं। आप अपनी बात से कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, आपने पहले कहा कि जमीन के अलावा बाकी सब आसमान है, अब आप कह रहे हैं पहला आसमान, इस ये कौन सी लॉजिक है? ये तो बात तो आप सुन लेना, वो काट देंगे तो छोड़ दें, बात ही खत्म होगी, मतलब है ना कि मैं बात कर रहा हूँ कि सात आसमान जो है ना उसका मतलब है कि पहले आसमान और दूसरे आसमान के दरमियान 500 साल का फासला, ये भी हदीस है, तो पहला आसमान तो अभी खत्म ही नहीं हुआ, जब हम वहां तक पहुंचेंगे। ओ मेरे भाई मुस्लिम साहब, ओ मुस्लिम साहब, एक मिनट रुकिए, मुझे एक जोक याद आ रहा है। अच्छा, वो 500 साल का जो फासला है वो स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से या स्पीड ऑफ कैमल के हिसाब से? जो कुरान की सूरह फुसिलत में है ना कि लोएस्ट जो हेवन है उसको हमने स्टार से रेंज किया है,
ओ भाई दिमाग वाले पैदल इंसान, मैं पूछ रहा हूँ जो 500 साल का फासला है ना दो आसमानों के बीच में, वो फासला 500 साल का कैसे तय होगा? वो 500 साल कैसे, स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से 500 साल है या स्पीड ऑफ डोंकी के हिसाब से 500 साल है या इंसान का जो चलने का ताकत होती है उसके हिसाब से 500 साल है, ये पूछ रहा हूँ। स्पीड नहीं ना भाई, या ऊंट के हिसाब से, वहां ऊंट ज्यादा थे, ये कुछ भी हो सकती है, से की पावर कुछ भी हो सकती है, हमें तो नहीं पता। ओ गधे, ओ मेरा दिमाग खराब क्यों कर रहा है, पागल हो गया? कुछ भी हो सकती है। स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से अगर मैं बात करूं ना तो 500 साल विद 1 सेकंड हो जाएगा भाई, सेकंड के अंदर भी नहीं, 1 सेकंड के अंदर हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है। लाइट का पता है क्या होती है, पता है कुछ ना, नहीं तो मुझे पता है 3 10 8 मीटर पर सेकंड है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप सी साबित करें ना, कुरान में कहाँ लिखा सी, ये 500 साल का जो फासला है। अरे सी को मारो बोली, तुमने खुद बोला 500 साल का फासला है मेरे प्यारे भाई, अकल से पैदल 500 साल का फासला, लेकिन अकॉर्डिंग टू व्हिच व्हीकल, ये पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि टाइम तो डिपेंड करता है ना कि व्हाट इज द स्पीड, स्पीड के ऊपर निर्भर है। नहीं देखिए टाइम का यह ना कि कंफ्यूजन है ना कि अल्लाह ताला के लिए एक दिन 50,000 साल का भी है, 1,000 साल का भी है, हमें टाइम तुम पागल हो या मुझे पागल समझते हो भाई साहब? रुको, तुम पागल हो या मुझे पागल समझते हो? मैं अगर कहूं कि यहां से हैदराबाद से कराची जो है वो 1 साल का सफर है, तो भाई तो 1 साल क्या कछुए की स्पीड से 1 साल का सफर है, लेकिन बस से 4 घंटे का सफर है, और अगर मैं मैकलारेन F1 से जाऊं तो शायद 15 मिनट का सफर है, तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि कौन सी स्पीड कौन सी चीज से 500 साल का सफर है, ये बताओ। मैं कह रहा हूँ एक दिन आप अगर 4,000 साल चल गए ना, ये 500 साल जो है ये बन जाते हैं 25,000 साल, ठीक है 25 लाख साल बन जाते हैं। यार ये फिर 25,000 साल बन गया, और भाई 500 साल क्या टाइम पीरियड, हाउ डू यू कैलकुलेट है, वो कैसे पता चला, ये पूछ रहा हूँ यार। वही मैं कह रहा हूँ ना, हमें ये नहीं पता ना, एक दिन 1,000 साल का है, 50,000 साल का है, वो हमें नहीं पता यार। यार बंद कर दो भाई इसको, ओ भाई यार जान छोड़ो यार, इंटरप्ट कर रहा हूँ मुस्लिम भाई, ये मुस्लिम नाम ये यार आपकी आवाज कट रही है, अपना क्या नाम है रहमान भाई, बात ये है कि इन्होंने जी आपकी आवाज कट रही है, बोलिए फिर से बोलिए। हाँ मैं ये कह रहा था कि बस मैं सिर्फ इतना इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि इन्होंने अब तक मैं सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये जो सब असमावात हैं, कितने समावात हैं, कितने आसमान हैं, और अगर एक से ज्यादा हैं तो फिर जमीन अलग और बाकी सब कुछ अलग कैसे हो सकता है? वाह भाई वाह, अच्छा गाल दिया, वेरी गुड। नहीं मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हम अभी पहले आसमान में ही आया, आसमान जो है अभी हम पहले ही देख रहे हैं, अभी सेकंड पे हम पहुंचे ही नहीं है, ठीक है पहले आसमान में हम। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि आसमान एक से ज्यादा है, जमीन जो है वो अलहदा है, आसमान अलहदा है, फिर उसके बाद और भी आसमान है, फिर आप अपनी बात से मुकर रहे हैं, मतलब आप दो अलग अलग बातें कर रहे हैं। नहीं बाकी छह आसमान है, उनमें कुछ भी नहीं है, वो खाली आप जो है वो जमीन, आप जमीन को आप कह देते हैं कि जमीन अलहदा है, और इसके अलावा आप सिर्फ 2 फुट भी उछल जाते हैं तो वो आप आसमान में पहुंच जाते हैं, एक दफा ये आपने इकरार किया इस बात का, ठीक है। अच्छा अब आप कह रहे हैं कि जी पहला आसमान और दूसरा आसमान के बीच में 500 साल का, और फिर मैंने जो आपसे सवाल किया सब आसमान आते हैं, तो उसके अंदर आप जब अभी तक मेरा मुझे मिला नहीं है कि एक आसमान है, 7 आसमान आप है। मैंने जवाब दे दिया, अब आप ना समझना चाहे वो आपकी मर्जी है, मैंने आपसे कहा कि 7 आसमान जो है ना, 6 आसमान डार्क मतलब डार्क मैटर है। ना रुकिए रुकिए रुकिए, यहाँ मर्जी की बात नहीं, मर्जी की बात नहीं चलेगी, रेफरेंस की बात चलेगी, आप साबित करो। हाँ जी मैं साबित कर रहा हूँ ना कि सूरह फुसिलत में लिखा हुआ है कि हमने सबसे निचले आसमान को तारों से मुजयन किया, अब तारों में गैलेक्सीज भी आती हैं, प्लैनेट सब कुछ आ जाता है, तो हमने सबसे मतलब नहीं सबके ये गलत है, झूठ बोल रहा है, एक मिनट रहमान भाई झूठ बोल रहा है क्या? सूरह फजलत के अंदर ये नहीं लिखा है सबसे नीचे आसमान को, सूरह फजलत के अंदर ये लिखा हुआ है कि जमीन के आसमान को हमने मेल किया है, अब बताओ लोएस्ट हेवन लिखा हुआ, खोल लें आप अंग्रेजी और जॉर्ज वॉशिंगटन के बच्चे मुझे, मैं अरबी की बात कर रहा हूँ, तू ट्रांसलेशन भी क्यों चल रहा है, ट्रांसलेशन तो चेंज होती रहती है। नहीं आप गलत बता रहे हैं ना, खोल लें आप सामने, यार अजीब, चलो मैं खोल के बता देता हूँ, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है सर, नो प्रॉब्लम, सूरह फुसिलत। हाँ ठीक है आप मुस्लिम भाई खोले तक, वो हमारे देसी भाई आप सर्च करिए, वर्स 9 पे जाए ना, वर्स 9 पे जाए, ऊपर 9 टाइप कर दें, वर्स पे 9 टाइप कर दें,
जी दो में लूट मिल लिया गई भाई, खड़ देसी गया भाई आयत। वर्स नंबर नाइन, फुसलत की अच्छा नाइन, ये तो नहीं है। टेन इलेवन ट्वेल्व, ट्वेल्व पे जाए, ट्वेल्व पे। हाँ, सही है ये वाला है। ये आजी आजी तो 7 दिनों वाली आ गई भाई। So he formed the heavens into seven heavens in 2 days, assigned each its mandate, and been the, adorned the lower heaven with star-like lamps for beauty and protection. This is the design of the Almighty Online. ठीक है, पहली बात है कि अल्लाह ताला ने पहले अबे रुको, सर रुको रुको, लोएस्ट हेवन यहाँ पे आराम से, यहाँ पे लोएस्ट हेवन नहीं लिखा हुआ है। देखो यहाँ अरबी क्या कहती है, वज़य्यना السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحِ, وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا, زَيَّنَ السَّمَاءَ, زَيَّنَ کا مطلب ہوتا ہے زینت سے بخش دینا, ٹھیک ہے. سما مطلب کہ آسمان کو, سما کہاں کا سما, دنیا کے سما, مطلب کہ جو دنیا کا آسمان ہے اس کو ہم نے زینت کیا ہے, بھی مثابی مطلب کہ ستاروں کے ساتھ. اب یہ بتاؤ دنیا کا تو ایک منٹ رکو, ارے رکو تو صحیح, کیا بول رہے ہو؟ लोएस्ट हेवन लिखा हुआ है, दुनिया का आसमान कहाँ लिखा हुआ है? एंड वी डोंट द लोएस्ट हेवन विद स्टार्स. ओ जॉर्ज वाशिंगटन के नस्ल में अरबी पढ़ना, अरबी अरबी पढ़ना में है. चले समाज दुनिया आप ट्रांसलेशन में है, ट्रांसलेशन आप अगले यार ये कैसे मुसलमान है यार, ये मुझे तो यार ये नहीं नहीं ज़ैन समाज दुनिया, दुनिया है ना जी भाई, मुस्लिम भाई, ज़ैन समाज दुनिया, दुनिया का सम खरीब वाला आसमान. देखो समाज दुनिया, सुनिए मैं बताता हूँ, वज़य्यना السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمِصَابِيحِ, इसका मतलब यह होता है और हमने जीनत दी, जीनत बख्शी समा को, कहां के समा को, दुनिया के समा को, मतलब कि दुनिया के आसमान को, بِمِصَابِيحِ सितारों के साथ, सितारे से मतलब समझते हो ना, स्टार्स स्टार्स, और हमें पता है कि ये सितारे जो है हमारे, ये हमारे आसमान में नहीं है, ये जो सितारे हमें दिखते हैं ना बहन, जो ये बहुत दूर है हमसे, बहुत दूर है, और तुम्हारे अल्लाह को ये भी नहीं पता था, ये भी साइंटिफिक ब्लंडर, चेक द साइंटिफिक ब्लंडर, इस ब्लंडर्स को छुपाने के लिए तुम लोग अंग्रेजी ट्रांसलेशन का सहारा लेते हो, समझ रहे हो, अंग्रेजी ट्रांसलेशन का सहारा. देखो अंग्रेजी ट्रांसलेशन में क्या लिखा है, एंड वी अडोर्न द लोएस्ट हेवन विद स्टार लाइक लैंप्स, वेरी गुड, लैंप्स कहां का लैंप, कहां का स्टार लाइक लैंप, लोएस्ट हेवन में कहां से जाके स्टार्स, क्या यार. और अच्छा आगे भी पढ़ लो, आगे पढ़ लो, وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ, اور حافظ حفاظت کے لیے, کس سے حفاظت کے لیے پتا ہے تمہیں, یہ بھی سنو, جنوں سے حفاظت کے لیے, کیونکہ جن جو ہیں تمہارے اوپر جاتے تھے اللہ کی باتیں سنتے تھے, تو اللہ جو ہے نا ان ستاروں کو اسے کنکڑیوں کی طرح مارتا تھا اور وہ جن بھاگ جاتے تھے. میں نہیں بول رہا ہوں, تمہارا قرآن بولتا ہے بھائی. اب مجھے یہ بتاؤ اللہ کو, بریک مارو بریک مارو, امپورٹنٹ اٹس امپورٹنٹ, Allah could not differentiate between asteroids and stars. Asteroids and meteorites are something different, and planets and stars are something different. Allah ko lagta tha ke ye jo jin hai aur uske upar jo, Allah ko nahi, Muhammad ko aisa lagta tha, kyunki Quran Muhammad ne likhi hai, Muhammad ko aisa lagta tha ki ye jo ye upar aasman se jo cheeze aati hain, meteorites girte hain, ye basically sitare hote hain, और सितारे जो है अल्लाह मारता है जिनों को, जो ऊपर जाकर उनकी सुनते हैं. अपने बात सुने ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो है ना कि आप बात कर रहे हैं वो इस तरह है, कंप्लीट बात मैं आपको बताता हूँ. तो उसमें इस तरह है कि जैसे है ना लोहे महफूज पे ना अल्लाह ताला रोज फरिश्तों को साइन करता है ड्यूटी, ठीक है. अरे यार ये कहानी मत बताओ, ओ भाई मैंने बचपन में बड़ी कहानी, सुपरमैन जो है ना, सुनो सुनो, स्पाइडरमैन जो है ना, सुनो 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 मेरी बात सुनो, ओ भाई मेरी बात सुनो, कहानियां ना बताया करो यार, उसमें फरिश्ते जो है ना वो पढ़ के नीचे आते हैं लोएस्ट हेवन में, कि आज हमने किसको रिस्क देना है, किसको हमने मारना है, किसको हमने सारी चीजें है ना वो लिख के नीचे आते हैं. तो वो जो जीन होते हैं ना वो उनकी बातें सुनने ऊपर जाते हैं, तो उन पे वो फिर अल्लाह ताला मारता है ताकि ये लोग, मुस्लिम भाई, मुस्लिम भाई, मुस्लिम भाई, मुस्लिम भाई सुनो, दीज आर द स्टोरीज जो मैं अपने 7 साल के बच्चों को सुनाता हूँ, समझ रहे हो, ये वो कहानियां हैं जो बच्चे माँ बाप अपने बच्चों को सुनाते हैं. अरे वो तो लिखा हुआ होता है वहां से रिस्क लेने के लिए ऊपर जाते हैं फरिश्ते, फिर फरिश्ते नीचे उतरते हैं, फिर रात को आप सो जाते हो तो परिंदे आते हैं आपके साइड में खाना रख लेते हैं, फिर सांता क्लॉज, ये कहानियां भाई, क्या हो गया यार, अजीब इंसान हो यार तुम लोग,
कितना तुम्हारा दिमाग इतना पैदल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, कुछ तो दिमाग लगाओ। लोहे महफूज, अबे तुमने कभी लोहे महफूज देखा है? तुम्हें कैसे पता चला लोहे महफूज है? क्योंकि तुम्हारे कुरान ने कह दिया, ऑफ कोर्स कुरान में लिखा हुआ तो झूठ थोड़ी होगा। व्हाट द हेल यार, 21वीं सदी में जीने वाले इंसान, थोड़ा शर्म खाओ यार। इसीलिए तो लानते हैं मुसलमानों के ऊपर, कहीं जूते खा रहे हैं, क्योंकि साइंस तो पढ़नी है नहीं, इन्हीं कहानियों में पड़े हुए हैं बस, क्या हलाल है क्या हराम है। क्रिश्चियनिटी जो ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट है, बुक ऑफ जेनेसिस है, कुरान, यार मेरे को मत बताओ वो भाई साहब। देखो ये मुसलमान, मुसलमानों का एक बड़ा एक अच्छा सा एक हथकंडा होता है फातिमा बहन, जब इस्लाम को डिफेंड नहीं कर सकते ना, हिंदुइज्म में देखो ये है, क्रिश्चियनिटी में ये है, जो हाँ यार आई डोंट केयर, उसमें जो भी हो, तुम हिंदू हो तो मैं तुमसे बात कर सकता हूँ हिंदुइज्म के ऊपर, तुम तो मुसलमान हो और मैं एक्स मुस्लिम हूँ, तो हम तो उसी पे बात करेंगे बेटा, उसमें है तो उसमें है, अगर उसमें है तो भी गलत है, और अगर उसमें गलत है तो उससे तुम्हारा इस्लाम साबित नहीं होता सही। अजीब इंसान हो यार, जो इलामी किताबें हैं वो इसी से आई है ना, लोहे महफूज से, तो वो मतलब कोई तुम्हारा अकीदा है पागल कहीं के, ये तुम्हारा अकीदा है, कोई क्रिश्चियन नहीं मानता, कोई हिंदू नहीं मानता कि कोई लोहे महफूज नाम की कोई चीज है, वहां से आ रहे हैं उनके बाइबल और वहां से आ रही है उनकी गीता, कोई नहीं मानता, ये तुम्हारा अकीदा है, तुम मानते रहो, तुम्हारे मानने से हो नहीं जाता है ना, दैट्स द पॉइंट। उसमें तो ये भी है ना, कुरान में एक पत्ता भी नहीं हिलता अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर, तो जिस तरह अल्लाह ताला ने कहा कि मेरी ब्लड, तुमने मान लिया कुरान ने कह दिया, तुमने मान लिया, वाह भाई वाह, क्रिश्चियनिटी में भी अल्लाह ताला की ब्लेसिंग के लिए आपको कुरान में लिखा हुआ अल्लाह की मर्जी से पत्ता नहीं हिलता। अच्छा छोड़ो, अल्लाह की मर्जी से एक पत्ता नहीं हिलता, तो यहूदी जो फिलिस्तीनियों को मार रहे हैं बच्चों को, ये भी अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, और करो, अल्लाह अल्लाह थैंक यू सो मच, अल्लाह और करते रहो। वो बात है, आप इसको आप लेके जा रहे हैं ना दूसरी तरफ, मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूँ, लेके जाऊंगा क्योंकि बकवास है ना मुस्लिम भाई, ये बकवास है, खुदा के बंदे दिमाग खोलो, इंसान बनो यार, तुम मखलूक हो ना, किसी मखलूक को बात करें, जानवर तुमसे बेहतर है, जानवर तुमसे बेहतर है भाई, एक बेसिकली एक लिटरली एक छोटे जानवर जमीन कुत्ते के अंदर ज्यादा अकल होती है यार, इंसान भी आसान तक इंसान बेस्ट ऑफ क्रिएशन है, बाकी अल्लाह ताला के लिए इंसान और जानवर हमारी तरह की ही उम्मतें हैं, कुरान में लिखा हुआ कि ये भी तुम्हारी तरह की उम्मतें हैं, ठीक है, तो परिंदे भाई कुरान में जो लिखा हुआ है झूठ है, 1400 साल पहले की कित कहानियां हैं भाई, ये कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है, तुम्हारा कुरान बोलता है कि मनी जो है वो रीढ़ की हड्डी और सजने की हड्डी से निकलती है, तो क्या निकलती है क्या? तुम्हारा कुरान बोलता है कि वो सेवन स्लीपर्स ऑफ ये एपिस्टल थे, वो 300 साल तक सो रहे थे, तो क्या वाकई में सो रहे थे क्या? कुरान में लिखा है इन द मडी पूल, सन सेट्स इन द मडी पूल, हाँ तुम्हारा कुरान बोलता है कि वो सूरज जो है वो तो एक गलीज किस्म के गंदे पानी में डूबता है, तो वाकई में डूबता है क्या? कुरान कहता है यार अजीब इंसान हो, उन्होंने देखा कि मतलब है कि ज़ुल्कर्णा ने देखा कि वो जलेबी है, उन्होंने देखा, आयत नंबर बताओ तुम्हारी जलेबी को, अभी 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 तोड़ता हूँ, आयत नंबर बताओ उसका, वो मुझे भूल गया, आयत नंबर 19 को याद आ रहा, तो मतलब है ना कि उसमें है कि उसने देखा, ज़ुल्कर्णैन ने देखा कि वहां पे सूरज ग़ुरूब हो रहा है, उसने खुद देखा, ये नहीं कि अल्लाह ताला ने देखा, उसने उसने पाया, सुनो उसने देखा नहीं, उसने डिस्कवर किया, समझ रहे हो, डिस्कवर करने में और देखने में फर्क होता है, डिस्कवर आप फैक्ट को करते हो, समझते हो मतलब कि तो मैंने मैंने सुनिए, नजर नहीं आ रहा था कि वो कितनी सूरज कहीं और, ये नहीं मतलब है कि वो, ये तो नजर आपके रसूल को ये भी नहीं पता था कि बच्चा बेटा बच्चा जो होता है वो मर्द होता है या औरत होता है, वो कैसे पता है? आपका रसूल कहता है पहले जो है वो फरिश्ते उससे पूछते हैं, फिर आखिर में जाके पता चलता है कि वो मर्द होगा या औरत होगा। साइंस तो आज तुम्हें 2 मिनट में बता देगी तुम्हारा बच्चा मर्द होने वाला है या बेटा होगा या बेटी होगी, तुम्हारे अल्लाह को तो ये भी नहीं पता था, बहुत पहले लोगों को यार छोड़ो यार, टाइम वेस्ट कर रहे हो यार, यू सच में यू आर टाइम वेस्ट यार, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, यू आप जो है ना भाई ऐसे ही पाकिस्तान में आप जैसे लोग जो है ना पाकिस्तान को डुबा के रख देंगे, क्योंकि लिटरली आपको साइंस पे तो यकीन करना नहीं, आपको ये 1400 साल पहले किचरे की किताब पे यकीन करना है, करते रहो कोई बात नहीं है, करते रहो, आपकी साइंस ना कोई दुनिया मानेगी ना ही आपको कोई दुनिया सीरियसली लेगी, तो बेटा करते रहो, गुड फॉर यू, गुड फॉर यू। चले बाल आपको मैंने बहुत सी चीजें दिखा तो दी हैं, अब इसमें आप क्या माने वो आपकी मर्जी है, वो ठीक है, अब आपकी बात, चले सही है, ठीक है, ओके, लाफिस, चले भाई बाबा, थैंक यू सो मच, समझे भाई थोड़ा, हम लोग इतने चीजें बता रहे हैं, ओके बाय, समझो थोड़ा, इतना बोल रहे हम लोग, रेफरेंस लेके जाके तो सर्च करो, इतना जल्दी जवाब देने की जरूरत नहीं है,
यार नहीं देखे फातिमा तो कुरैशी की ये बात हमारे तो रहमान आजम देखो। जी। हाँ हाँ मैं एक मिनट कह रहा था, जी मैं आपको ये कह रहा था कि देखिए ये सिंपल एक बेसिक फैक्ट्स हैं, ठीक है। द फैक्ट के मुसलमानों जी को भाई, कुरान को बचाने के लिए साइंस को तोड़ मरोड़ के और हदीसों को और इनको तोड़ मरोड़ के पेश करना पड़ता है, इसी से साबित हो जाता है कि कितना बड़ा झूठ है कुरान, कितना बड़ा झूठ है। ना कुरान के अंदर भाई आसमान हिस्टोरिकल से इनसे देखिए लोहे को भी साइंस आसमान से उतारा बोलता भाई। गई भाड़ में, कोई बात हाँ नहीं है, लेकिन कुरान के अंदर ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी सही नहीं है। वो बताया हुआ यहूदी जो है वो उजैर को अल्लाह का बेटा मानते हैं, किसी यहूदी से जाके पूछो उजैर कौन है, बोलता है उजैर कौन है, वी डोंट नो कौन उजैर, कौन सा उजैर, काय का उजैर। आप बोल के तो दिखाओ किसी यहूदी को, यार आप किसी उजैर को या ऐसे इस टाइप के किसी बंदे को खुदा का बेटा मानते हो, वो बोलेगा नहीं मानते, और अल्लाह ने ऐसे ही मुफ्त में डाल दिया उसके अंदर। पता नहीं कौन कहां से एक कहां से एलेक्जेंडर द ग्रेट को जो है इन्होंने जुलकरनैन बना के रख दिया, और जुलकरनैन कहां का जुलकरनैन। अच्छा ये तस्वीर लगा के रखी एग्जैक्टली मेरी मेरी डीपी थोड़ा बड़ी करना फातिमा बहन, डीपी थोड़ी बड़ी करो मेरी, सही बिल्कुल सही, ये हटा देना ये तस्वीर हमारी। नहीं मेरी डीपी को ये अच्छा फुल स्क्रीन, ठीक है मेरी को फुल स्क्रीन करो। हाँ आ गई फुल स्क्रीन पे, ओके कहाँ पे, अरे मेरे फोटो को फुल स्क्रीन करो यार। मम्मी अच्छा खत्म हो गई ये था अपने, वन पे ले लो, इस पे ले लो। हाँ मोमिन कुछ मोमिन को अपन नहीं रिसीव करने से वो लोग चले गए भाई। कोई बात नहीं है, इतनी धुलाई हुई इनकी आज तो, जो नहीं भी आए उन्होंने सुन तो लिया एटलीस्ट। ओ जुल्करनैन प्रोबेबली सारे द ग्रेट था, नहीं था वो हाँ जुल्करनैन ही था, वो जुल्करनैन एलेक्जेंडर द ग्रेट। ये जो तस्वीर मैंने लगाई हुई है जुल्करनैन की है, मतलब एलेक्जेंडर की है। देखो ये जो साइड में जो है ना ये सींग निकल रहे हैं इसको, देख रहे हो, अच्छा एक्चुअली में हाँ कुरान हाँ में अलेक्जेंडर का एग्जैक्टली नाम नहीं एग्जैक्टली दिया, कुरान में अलेक्जेंडर का नाम नहीं दिया, कुरान में अलेक्जेंडर का जो टाइटल था जिससे लोग वाकिफ थे वो यूज किया गया है, जुल्करनैन। जुल्करनैन करनैन बोलते, कर्न बोलते हैं सिंह को, सिंह होता है ना सिंह, जो बकरी का सिंह होता है या किसी जानवर का सिंह होता है, कर्न बोलते हैं उसको। हाँ तो करनैन अरबी में करनैन का मतलब होता है प्लूरल, मतलब कि दो सिंगों वाला, ठीक है दो सिंगों वाला। अब हिस्टोरिकली हम लोगों को पता है कि दो सिंगों वाला कौन था, शायद ग्रेट नहीं था, ये था जिसकी तस्वीर लगा के रखी हुई है सिक्के के ऊपर की, अलेक्जेंडर द ग्रेट की तस्वीर है और दो सिंग निकले हुए हैं उसके, देखो क्योंकि अलेक्जेंडर द ग्रेट ऊपर ये हाँ, मखौड़े पहनते थे, ये ऊपर जी, जी. मखौड़े टाइप थे जिसमें से मतलब कि दो सिंग निकले निकलते थे। तो कुरान जुलकर कुरान का जुलकर नैन अलेक्जेंडर द ग्रेट ही है, सारे द ग्रेट नहीं है, झूठ है ये, अलेक्जेंडर द ग्रेट है। चले हटा दे मेरी तस्वीर। हाँ एग्जैक्टली exactly. मुझे भी पढ़ने से यही समझ में आता, अलेक्जेंडर को ही बताते वो लोग जुलकरनैन, क्योंकि सेम जो सफर है ना रुक रुक के एग्जैक्ट थोड़ा थोड़ा बताता उसका पूरा अलेक्जेंडर द ग्रेट की सफर को। एक सीरियन तो हमारे साथ हाँ जी भाई मैं कुछ कह रहा था कि एक सीरियन लेजेंड था अलेक्जेंडर द ग्रेट का, उसी को कॉपी करके कुरान में डाला हुआ है। बहरहाल मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर देना, मैं लास्ट एक चीज दिखाऊंगा उसके बाद मैं भी जलता हूँ, बहुत टाइम हो गया है। मैं भी इजाजत चाह रहा था क्योंकि मैंने स्पेशली बस दोबारा टाइम निकाला आपसे, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों। यहाँ पे कुछ आखिरी चीज दिखा रहा था उसके बाद मैं भी निकलता हूँ अपना फार्मा बहन, हमें ये आयत दिखा रहा था फ्री विल के ऊपर दी आयत, इसमें अल्लाह क्या बोल रहा है, अल्लाह बोलता है वमा तशाउन इला अय शा जी भाई आमीन। हाँ इसका मतलब ये है कि सिवाय अल्लाह की मर्जी के कुछ नहीं होता है, मतलब और तुम कुछ भी नहीं चाह सकते मगर वही जो खुदा है रब्बुल आलमीन चाहे, मतलब यू कैन नॉट विल टू डू सो एक्सेप्ट बाय द विल ऑफ अल्लाह द लॉर्ड ऑफ ऑल वर्ल्ड्स। तो फ्री विल तो गई तेल लेने बेटा, कोई भी मुसलमान आके बोल दे फ्री विल तो ये आयत मुंह पे फेंको, इसके ये आयत मुंह पे फेंको, काय की फ्री विल, क्यों नहीं तुम्हारी फ्री विल भी अल्लाह के विल के हिसाब से चलती है, सो देयर इज नो फ्री विल इन इस्लाम बेटा। तो ये आयत थी एक दिखाने की, ये मैंने दिखा दी है, और उसके बाद एक और सही है, ओजोन लेयर जो है ना एक्चुअली में जब सन की रेडिएशन पड़ती है धरती के ऊपर
तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन रहती है ना, उस रेडिएशन की वजह से फिर वो ऑक्सीजन के अंदर एक और मॉलिक्यूल जाता है, फिर वो O3 बनती है। तो कोई अल्लाह ने कोई ओजोन वोजोन नहीं बनाई, और समा कोई ओजोन नहीं होती है, क्योंकि ओजोन तो बनती और बिगड़ती रहती है, ठीक है, दिन के हिसाब से, एटमॉस्फेयर के हिसाब से कितनी ज्यादा कार्बन ये अपना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, कितनी ऑक्सीजन कम बन रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो ओजोन इज ऑलवेज चेंजिंग, ठीक है, वो कोई बनाई हुई चीज नहीं है, जो कोई छत की तरह बनाई हुई अल्लाह ने जैसे क्लेम किया था, ये बकवास है। सॉरी, नहीं, मैं एक कमेंट पढ़ रहा था, वो बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू मौलाना मोदी सारे द ग्रेट, वो मौलाना मोदी जी को ले लो अपने उसमें, ठीक है, वो कुछ भी, वो मोदी कितना पुराना है, 100 साल पुराना भी नहीं है, मोदी कुछ भी करते तो मान लोगे क्या? करनैन का मतलब ही होता है दो सिंह वाला, और सारे द ग्रेट के दो सिंह नहीं थे। बहरहाल, ओके, क्या बोलता है, नॉट इन द जस्ट चूजिंग गुड एंड बैड, नहीं कॉन्टेस्ट तो देख लो पांडू बेटा, ये क्लासिकल है, अबे जा भाई जा जा, टाइम वेस्ट मत कर, निकल ले, अगर तुझे इतनी अरबी आती ना तो एक्स मुस्लिम बन चुका होता, नहीं आती इसलिए अभी तक मुसलमान है। चले फातिमा बहन, आप कंक्लूड कर लें, बंद कर। चलिए भाई, सबका जुड़ने के लिए थैंक यू, और जो जो लोग हमें सब्सक्राइब नहीं करे वो सब्सक्राइब कर ले, हमारे देसी भाई को भी और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और जय हिंद, वंदे मातरम, शब खैर, सलाम, सब दुआएं, और सब खुश रहें, सदा बहार रहें। चलिए जय हिंद, जय बेटा। बातचीत बातचीत करोगे ना पाकिस्तानी, तुम्हें कोई डिफरेंशिएट कर नहीं सकता, वैसे तुम्हारे ऊपर भी वैसे ही आएगी।